मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही जल्द, मतलब लगभग 18 महीनों में ये 200 करोड़ का वैक्सीनेशन, एक सक्सेस ड्राइव जो भारत ने अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन विश्व में आज भारत ने एक अलग दिशा में अपनी अनोखी पहचान बनाई है, सबसे तेज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा रोड मैप बनाया। जब 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तब से ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, वो कोल्ड चेन मेंटेन करना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे PHC, गांव गांव तक पहुंचने में हमारी पूरी टीम ने एक अच्छा एक रोड मैप बना के सभी का उसमें सहयोग मिला, सभी कोविड वॉरियर, सभी डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स। और आपने भी देखा होगा कि पूरे चुनौती भरे इस माहौल में, चाहे वो बर्फ में जाना हो, या पहाड़ी पे जाना हो, या ऊंट पे बैठ के जाना हो, या बोट की एम्बुलेंस से जाना हो, तो सभी चुनौतियों को पार करते हुए ये वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान भारत ने कर दिखाया। और इस बात की बहुत खुशी है कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन आज पूरे हुए हैं। इस बात को लेके मैं सभी को, मेरे सभी देशवासियों को अभिनंदन करती हूँ। सभी के सहयोग के लिए, सभी ने इतना सबकी क्रय शक्ति से ये संभव हो पाया है। मुझे लगता है ये सभी की एकजुटता का एक अनोखा अनुभव हम इतिहास के माध्यम से रचने जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। सभी के प्रयासों के लिए मैं सभी को अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के कारण ये संभव हो पाया। मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये विशेष अभियान कोविड वैक्सीनेशन चला। और उन्होंने लगातार इस बात को लेके प्रयास किए कि जहाँ नहीं पहुँच रहा है वो कैसे पहुँचाया जाए, चाहे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन का भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मुझे लगता है एक नेतृत्व में, एक ऐसी हमारे नेतृत्व की पहचान है कि कुछ भी अब असंभव नहीं है। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, और कोविड वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है। इस बात का मुझे बहुत बहुत गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है। मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देती हूँ।